भागीरथ ने माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने पर अपनी कितनी पीढ़ियों का बलिदान दे दिया, लेकिन आज माँ गंगा उन संतों को और इन संतों के दोनों में कितना फर्क है आप ये देख सकते हैं। ये माँ गंगा को सड़ा रहे हैं आज के संत, वो माँ संत गंगा को लाने के लिए उन्होंने अपने परिवारों की आहुति दे दी। इसलिए माँ गंगा का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। अगर ये संत जल समाधि देना बंद नहीं करेंगे तो माँ गंगा एक दिन लुप्त हो जाएगी, सड़ जाएगी। कोई स्नान नहीं करेगा, कोई आचमन नहीं करेगा, कोई स्नान नहीं करेगा। करोड़ों लाखों श्रद्धालु माँ गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन इन संतों को, उन श्रद्धालुओं, उन भक्तों की कोई चिंता नहीं है। गलत है जब गंगा जी में समाधि देते हैं। मैंने भी देखा, पहले भी एक संत की बाटी इस तरह कुत्ते खींच रहे थे, आज भी मैंने एक देखा इस तरह से खींच रहे हैं। मैं समझता हूँ हमारे यहाँ दशनाम संन्यास परंपरा के सात अखाड़े हैं, और सात अखाड़े में से भी निरंजनी और महानिर्वाणी तो समृद्ध है, हजारों हजारों बीघा जमीन है। अगर 10-20 बीघा जमीन ये अखाड़े भी दान कर दे समाधि के लिए तो इससे बड़ी और क्या अच्छी बात होगी, लेकिन ये भी करना नहीं चाहते और गंगा जी को अपवित्र कर रहे हैं। असल में ज्यादातर भाई जल समाधि दी जाती है तो आपको देखने में आएगा ज्यादातर महात्मा ऐसे होते हैं जो घूमने फिरने वाले होते, पक्का टाइप के महात्मा होते हैं। ऐसे लोगों की वहाँ ज्यादा समाधि, उनके पास सही में जगह भी नहीं है, वो समाधि दे तो कहाँ। बड़े बड़े आश्रमों के लोगों को जल समाधि बहुत कम दी जाती है, क्योंकि बड़े बड़े जिनके आश्रम हैं वो तो अपने आश्रम में ही उनकी समाधि बना लेते हैं। लेकिन जो व्यवहारिक दिक्कत है वो जन सामान्य साधु, सामान्य साधु की है। सामान्य साधु का दो ही समाधान है, या तो भूमि समाधि के लिए सरकार व्यवस्था करे, और नहीं तो ये अखाड़े हैं सन्यासियों के साथ अखाड़े हैं, उन अखाड़ों को व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, गंगा में गिरने वाली जो डेड बॉडीज है उनसे उन जगहों पर ज्यादा नुकसान होता है जहाँ वो डेड बॉडीज डाली जाती हैं, क्योंकि डेड बॉडीज आफ्टर ऑल चाहे आदमियों की हो जीव जंतुओं की हो वो ऑर्गेनिक मटेरियल है। अगर उनमें थोड़ा बहुत डाली जाएगी तो 10-15 दिन के अंदर अंदर वो डेड बॉडी सड़ गल के बराबर हो जाएगी। लेकिन तत्काल जहाँ जहाँ पे, जैसे मैं आपको बक्सर का एग्जाम्पल दूँ, जहाँ पे 1 किलोमीटर के अंदर अंदर मुझे अभी जून जुलाई के महीने में लगभग 17 से 32 तक डेड बॉडीज किनारे किनारे मिली, और वो बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, उनके बीच में जानवर भी थे, उनके ऊपर बैठे हुए गिद्ध और कौवे भी बॉडी खा रहे थे, कुत्ते भी बॉडी नोच रहे थे। वो स्थानीय पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, जल को बहुत प्रदूषित करती हैं, और इससे अनेक बीमारियां लोकल स्तर पर पैदा होती हैं जो जल्दी नजर नहीं आती लेकिन जिनके दीर्घगामी घातक परिणाम होते हैं।